सत श्री अकाल जी सारियां नू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक कमर्शियल प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि बनने जा रही है दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 में। तो रोहिणी की अगर बात करें तो रोहिणी को जो डेवलप किया था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करा था और दिल्ली की रेजिडेंशियल नीड को पूरा करने के लिए करा था। जो अगर बात करें तो दिल्ली और इंडिया की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ जो टोटल सेक्टर हैं वो 37 सेक्टर हैं, जिसमें 25 सेक्टर तक अभी टोटली रिहाइश हो चुकी है और आगे वाले आने वाले टाइम में हमारे को और सेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं अगर लैंड अवेलेबल हो गई। 25 सेक्टर तक तो यहाँ पे बसावट हो चुकी है, जो कि आपने मेरी और अदर्स वीडियो में भी देखा होगा। मैं यहाँ की रेजिडेंशियल बिल्डर फ्लोर्स की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है वो सेक्टर 18 में आ रहा है, बिल्कुल दाताराम सोसाइटी के बाहर इस टाइम मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल इसके अपोजिट में हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसकी अभी सॉफ्ट बुकिंग चल रही है, सॉफ्ट लॉन्च पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी ये अभी बनना स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, रोहिणी जो डेवलप करी गई थी वो दिल्ली की रेजिडेंशियल नीड को पूरा करने के लिए करी गई थी, लेकिन यहाँ पर ये जो कमी रह गई वो रह गई यहाँ पे उस लेवल से, उस हिसाब से कमर्शियल नहीं डेवलप किया गया। आने वाले टाइम में जैसे जैसे यहाँ पे बसावट हुई तो लोगों ने किस तरह से पूरा करा, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑन रोड लगती थी उन्होंने नीचे अपनी कमर्शियल शॉप बनानी शुरू करी और उसी को कमर्शियल की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके अंदर क्या हुआ कि अगर आज हमारे को कोई भी डेली नीड्स की चीज़ परचेज़ करने के लिए जाना होता है तो वो जो आप में ये शॉप्स देख रहे हैं, इस तरह से नीचे ग्राउंड पे शॉप्स बनी हुई है मेन रोड पे, तो मेन यहाँ पे समस्या ही देखने को मिलती है कि अगर मेरे को कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो पार्किंग के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे अगर मैं इस शॉप पे परचेज़ करना चाहता हूँ तो पार्किंग मुझे ज़रूरी नहीं है कि शॉप के सामने ही मिल जाए, शायद 20 दुकानें छोड़ के मुझे पार्किंग मिले। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अगर हम देखें तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये इसके अंदर हमारे को 3 लेयर की पार्किंग मिलेगी और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारी कमर्शियल शॉप्स हर तरह की देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो डेली नीड का सामान हो, चाहे हमारी क्लॉथ वेयर हो, चाहे फूड के आउटलेट्स हो, सभी जो है वो सभी एक ही कमर्शियल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें नोएडा और गुड़गांव की, नोएडा गुड़गांव में क्या होता है, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है तो उसी के साथ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार करा जाता है, कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तैयार करा जाता है, जो कि उस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की डेली नीड्स की चीज़ों की और कमर्शियल नीड को पूरा करता है। तो यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा है रोहिणी में। यहाँ पे क्या है कि रेजिडेंशियल तो पहले डेवलप हो गया, लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन कमर्शियल पे इतना फोकस नहीं करा गया। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको एक ऑर्गेनाइज वे में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको लॉकेबल स्पेस मिलेगी, आप अपना काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, अपनी यूनिट यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम आप यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके इस प्रॉपर्टी को अपने हैंड से रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो लॉकेबल रहेगी और जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है वो 40 लाख रुपये से हो जाती है, जो कि अगर हम बढ़ाएँ तो 2.5 करोड़ रुपये तक जाती है। तो लोकेशन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, अगर हम रोहिणी सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन से अगर हम रोहिणी सेक्टर 18 की तरफ आते हैं तो डॉक्टर लाल पैथ लैब को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो उसी में 2 से 3 प्लॉट छोड़ के हमारी ये प्रॉपर्टी बनने जा रही है। एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है, जिससे कि मैंने आपको बताया एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है और दिल्ली की प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमारे को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम इनिशियल स्टेज पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को रेट्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि हमने आपके साथ ओमेक्स चांदनी चौक और रहेजा मॉल की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। तो जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी उनको आज की डेट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसके अंदर अगर स्टार्टिंग स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी हमारे को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम अपने लिए कोई लॉकेबल स्पेस दिल्ली के अंदर सर्च कर रहे हैं कमर्शियल में तो वो भी उस नीड को भी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करता है। ये एक लॉकेबल स्पेस है, आप इसको पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है नवरात्रों का टाइम चल रहा है और जब तक ये वीडियो आपके साथ शेयर होगी तब तक दशहरा आ चुका होगा। तो दशहरे पे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराइयों पे अच्छाइयों की विजय हुई थी। तो उसी के साथ साथ भगवान राम ने अपना 14 वर्ष का वनवास भी पूरा करा था। तो जैसे कि भगवान राम अब अपने घर लौटेंगे दिवाली तक, और अगर दिवाली से पहले पहले अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप बुकिंग करते हैं तो आपको हमका गोल्ड कॉइन भी मिलेगा। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट शीट बना के भेज देगी कि कितने की यूनिट आपको मिलेगी, क्या प्राइस रहेगा और क्या साइज़ रहेगा और क्या इसके अंदर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। गोल्ड कॉइन का जो ऑफर है वो मैंने आपको बता दिया, अगर दिवाली तक आप बुकिंग करते हैं तो आपको एक गोल्ड कॉइन भी मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।